नमस्कार भाइयों भाइयों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स बताई। इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर्स ही बता रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। तो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जो करंट अफेयर्स की एक्टिविटीज है महत्वपूर्ण, उनके बारे में बता रहे हैं हम। इसमें उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो हम पहली वीडियोज में आपको बता चुके हैं। तो लिख लीजिए सर, नोट करिए, करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स। तो देखिए, पहले बात है ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखिए, चार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती है टेनिस की, जिसमें से इस बार विंबलडन नहीं हुआ है। कोरोना के कारण विंबलडन का आयोजन रद्द किया गया। तो आपसे पहला सवाल यह भी बन सकता है कि इस बार कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता रद्द की गई, तो विंबलडन। बाकी तीन जो प्रतियोगिताएं हुई, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020, उसके पुरुष विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, महिला विजेता है सोफिया कैनिन अमेरिका की। इसके बाद होती है फ्रेंच ओपन 2020। फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष विजेता है राफेल नडाल स्पेन के, महिला विजेता इगा स्वियातेक पोलैंड की है। और अमेरिकी ओपन यानी यूएस ओपन 2020 में पुरुष विजेता डोमिनिक थीम रहे ऑस्ट्रिया के, और महिला विजेता नाओमी ओसाका रही जापान की। तो तीन प्रतियोगिताओं के विजेता हैं। चौथी प्रतियोगिता विंबलडन इस बार रद्द कर दी गई कोरोना के कारण। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके भाई, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 में इस बार जो टेबल टेनिस की चैंपियनशिप हुई 2020, उसमें हरमीत देसाई विजेता रहे, उपविजेता रहे मानव ठक्कर। महिलाओं में सुतीर्था मुखर्जी विजेता और कृत्विका सिन्हा उपविजेता रहे। ऐसे ही प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020, इसमें कुल 60 टीमों ने हिस्सा लिया है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 में कुल 60 टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल जीता बेंगलुरु रैप्टर्स ने, हराया नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न वैरियर को, विजेता और उपविजेता। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में आयोजित कैरोस कप चेस टूर्नामेंट कहां हुआ अमेरिका में, जिसमें भारत की कोनेरू हम्पी ने पदक जीता। किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने जीता इसको। ऐसे ही फ्रांस में आयोजित कांस ओपन चेस टूर्नामेंट को भारत के ही डी गुगेश ने जीता, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर रहने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया। ठीक है, तो डी गुगेश ने फ्रांस का कांस ओपन और अमेरिका का कैंस कोनेरू हम्पी ने। जो भारतीयों ने जीता सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, विदेशियों ने जीता उसको छोड़ देते हैं। फिर आते हैं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2020। स्क्वैश पुरुष विजेता है सौरव घोषाल और महिला विजेता है जोशना चिनप्पा। स्क्वैश में भारत में सौरव घोषाल, जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो सौरव घोषाल, जोशना चिनप्पा जाने माने खिलाड़ी हैं, और तीसरे दीपिका पल्लिकल भी स्क्वैश की महिला खिलाड़ी हैं, जो बहुत ही नामचीन खिलाड़ी हैं। इस बार सौरव घोषाल और जोशना चिनप्पा ने ये जीता, पुरुष में सौरव घोषाल, महिला में जोशना चिनप्पा। आगे बढ़ते हैं। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करते हैं, तो स्वर्ण पदक जीता इंडोनेशिया ने, रजत पदक मलेशिया ने, और भारत को कौन सा पदक मिलता है? कांस्य। तो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का ब्रॉन्ज मेडल था, फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडोनेशिया और सिल्वर मेडल मलेशिया को मिला भाई। ठीक, इसके बाद एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। अब देखिए, कुश्ती में कई सारी इवेंट होती हैं, अलग अलग भार कैटेगरी होती है, लेकिन जो भारतीयों ने जीता उनके नाम बता रहे हैं हम बस। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दिव्या काकरण ने भी स्वर्ण पदक जीता, पुरुषों में और महिलाओं में, अलग अलग भार कैटेगरी में भाई, वेट कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। T20 महिला विश्व कप 2020, महिलाओं का विश्व कप हुआ T20 क्रिकेट का, इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, उपविजेता भारत रहा, और आयोजन कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक, दूसरा U19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो हुआ, उसमें विजेता बांग्लादेश रहा, उपविजेता भारत रहा। उपविजेता इसलिए याद करना क्योंकि भारत है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। और आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, बहुत इंपॉर्टेंट है कहां आयोजन हुआ, यह भी पूछा जा सकता है। तो T20 विश्व कप और U19 विश्व कप जो हुआ, दोनों में विजेता भारत रहा, एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता T20 महिला विश्व कप, और पुरुषों में U19 विश्व कप किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। ठीक, इसके बाद रणजी ट्रॉफी का जो मैच हुआ इस बार, रणजी ट्रॉफी में विजेता सौराष्ट्र और उपविजेता बंगाल रहा। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दें, जो रणजी ट्रॉफी का विजेता होता है
एक टीम वो होती है और दूसरी तरफ होती है शेष भारत की टीम, इनके बीच एक चैंपियनशिप आयोजित कराई जाती है जिसे बोलते हैं ईरानी ट्रॉफी। तो इस बार ईरानी ट्रॉफी में कौन भिड़ेंगे, सौराष्ट्र और शेष भारत। शेष भारत का मतलब बाकी, इस टीम को छोड़कर अन्य जो बच गए हैं उनसे एक टीम बनाई जाती है जिसे शेष भारत बोलते हैं। तो शेष भारत और सौराष्ट्र की भिड़ंत होगी किसमें, ईरानी ट्रॉफी में। हर बार यही होता है, रणजी ट्रॉफी विजेता शेष भारत से भिड़ता है, ट्रॉफी का नाम होता है ईरानी ट्रॉफी। ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, ओके भाई। इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भुवनेश्वर में आयोजित हुए और इनमें सबसे ज्यादा 46 पदक पंजाब यूनिवर्सिटी को मिले। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होते हैं, भुवनेश्वर में। सबसे ज्यादा 46 पदक किसको मिलते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी को भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सीनियर भारोत्तोलन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020 हुई जिसमें पुरुष विजेता रहे जेरेमी लाल रेनुंगा और महिला विजेता रही मीराबाई चानू। ये तो बहुत पहले से नाम प्रसिद्ध है लेकिन ये नए नाम है जेरेमी लाल रेनुंगा, तो दोनों नाम आपके याद होने चाहिए। किस ऐसे ही पूछा जा सकता किस खेल से जुड़े हुए हैं, मीराबाई चानू या जेरेमी लाल रेनुंगा, किससे भैया, वेटलिफ्टिंग या भारोत्तोलन से। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं जो हमारे बड़ी इवेंट है कौन सी कहां हुई और कहां होने वाली है। तो 32वें ओलंपिक खेल 2021 में टोक्यो में आयोजित होंगे, 2020 में होने थे, कोरोना के कारण टल गए, अब जुलाई 2021 में टोक्यो में आयोजित होंगे। 2024 में 33वें होंगे पेरिस में और 2028 में लॉस एंजल्स में। 2016 के कहां हुए थे, रियो डी जेनेरो में, और पहले ओलंपिक खेल कहां हुए थे, एथेंस में 1896 में। ओलंपिक का जनक किसे माना जाता है, पियर डी कुबर्टिन को माना जाता है, ये तो स्टैटिक जीके में आ जाता है तो मालूम होना चाहिए। अब देखिए 2021 टोक्यो, 2024 पेरिस, पेरिस में जब 2024 में होगा तो ये तीसरी बार होगा, अब तक पेरिस में दो बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। लंदन एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर तीन बार ओलंपिक का आयोजन हुआ अभी तक, पेरिस इसकी बराबरी कर लेगा 2024 के ओलंपिक के आयोजन के बाद। और 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे भाई, ठीक है। दूसरे आते हैं शीतकालीन ओलंपिक, इन्हें बोलते हैं ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। 23वें शीतकालीन ओलंपिक 2018 में दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए और 2022 में 24वें होंगे बीजिंग में, ठीक है, ये दक्षिण कोरिया हो गए, ये बीजिंग में होंगे। पहले जो हुए थे 1924 में हुए थे, फ्रांस में हुए थे, ठीक है, फ्रांस में आयोजित हुए थे 1924 में, विक्टर गुस्ताव बाल्क जो हैं इनके जनक माने जाते हैं। किसको माना जाता है शीतकालीन ओलंपिक का, विक्टर गुस्ताव बाल्क। इनका जनक पियर डी कुबर्टिन को सभी जानते हैं भाई, आगे बताए, जनरल विक्टर गुस्ताव बाल्क को इनका जनक माना जाता है शीतकालीन ओलंपिक को, ठीक है। इन्हें पहले नॉर्डिक गेम्स भी कहा जाता था, नॉर्डिक गेम्स को फैलाकर ही विंटर ओलंपिक की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं भैया, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई, याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया है, ये बर्मिंघम लिखना है, बर्मिंघम, ठीक है। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए और 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम ब्रिटेन में होंगे, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो 1930 में पहली बार शुरू हुए थे, हैमिल्टन कनाडा से। फिर आता एशियाई खेल 2018 के होते हैं 18वें जकार्ता में इंडोनेशिया और अगले होंगे 2022 में ग्वांगझू चीन में। अगर हम एशियाई खेलों की बात करें तो पहले हुए थे 1951 दिल्ली में, 1951 दिल्ली पहले, हैमिल्टन कनाडा 1930 पहले, ठीक है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की जो होगी उसका आयोजन भी भारत में होगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा, भारत में होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद 21वां फीफा विश्व कप फुटबॉल विश्व कप 2018 रूस में आयोजित हुआ और विजेता था फ्रांस। 22वां फीफा विश्व कप 2020 दोहा या कतर, मतलब दोहा कतर, देश का भी नाम पूछा जा सकता है, शहर का भी, दोहा कतर में आयोजित होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, फीफा विश्व कप यानी फुटबॉल विश्व कप और राष्ट्रमंडल खेल दोनों 1930 में शुरू हुए, ये भी 1930 में हुआ, कॉमनवेल्थ भी 1930 में शुरू हुए। पहला फुटबॉल विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था, कहां पर हुआ था, उरुग्वे, और इसका विजेता भी उरुग्वे ही था, ठीक है।
आगे आते हैं क्रिकेट विश्व कप। 12वां क्रिकेट विश्व कप 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ। विजेता था इंग्लैंड, ठीक है, विजेता इंग्लैंड, उपविजेता न्यूजीलैंड। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 में भारत में आयोजित होगा। अगर हम क्रिकेट विश्व कप की बात करते तो पहला 1975 में इंग्लैंड में हुआ, विजेता वेस्टइंडीज। दूसरा 1979 में इंग्लैंड में, विजेता वेस्टइंडीज। तीसरा भी इंग्लैंड में होता है। तो पहले तीनों आयोजन इंग्लैंड में हुए क्रिकेट विश्व कप के, पहले दो का विजेता वेस्टइंडीज और तीसरे का विजेता भारत 1983 में। ओके ठीक है भाई, क्रिकेट विश्व कप 2019 का इंग्लैंड वेल्स में हुआ, 2023 का भारत में होगा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 इंग्लैंड में हुआ और विजेता भी इंग्लैंड ही था। ये इंग्लैंड लिख लेना, भारत को हराया था इसमें फाइनल में इसने। महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 का विजेता इंग्लैंड, इंग्लैंड में आयोजित हुआ। और महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 का आयोजन न्यूजीलैंड में होगा भाई। ओके आगे बढ़ते हैं, ये क्रिकेट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक, इसके बाद हॉकी विश्व कप 2018 भारत में आयोजित हुआ, विजेता था बेल्जियम। 2018 का हॉकी विश्व कप भारत में आयोजित हुआ, विजेता बेल्जियम। और 2023 का विश्व कप भी भारत में ही होगा हॉकी का। 2018 का हुआ, 2023 का होगा, 5 साल के गैप से होगा इस बार, दोनों भारत में। महिला हॉकी विश्व कप 2018 लंदन में हुआ, विजेता नीदरलैंड। और महिला विश्व कप हॉकी 2023 में स्पेन और नीदरलैंड में होगा। एक बात और याद रखना, भारत ने इसके लिए भी दावा ठोका था, भारत ने इसके लिए भी दावेदारी की, लेकिन भारत को यह दावेदारी नहीं मिली। बाकी 2000 पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 2023 दोनों इंडिया में, जो हुआ वो भी इंडिया में, होने वाला वो भी इंडिया में। और महिला हॉकी विश्व कप एक लंदन में हुआ, विजेता नीदरलैंड, और दूसरा 23 में होगा स्पेन में, और नीदरलैंड मिलकर आयोजित करेंगे इसको। ठीक है भाइयों, तो ये इतनी छोटी सी वीडियो हमने सिर्फ इसीलिए बनाई कि आप तक सिर्फ क्रीम को हम पहुंचा सकें भाई। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अक्टूबर महीने की करंट अफेयर्स उपलब्ध कराई जाएगी भाई। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।